26 जनवरी को तिरंगा कश्मीर में ही लहराए। जब मेरा देश बिकेगा तो मैं सो जाऊं। भगवान रंग इनके बाप का है क्या? इस दिन रिंकिया का पापा दारू की बोतल में और ऐसे ऐसे डांस कर रहा था भगवान में। तो अब देखो ये हिंदू हिंदू का विरोध कर रहे, इसलिए फर्जी हिंदू है। चिट्ठी क्या अपने फूफा को लिखी थी, पाकिस्तान वालों को लिखी थी, और अपने देश की संपत्ति से जल्दी जल्दी हाथ धो लो ना। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम है संजय कुमार, आप देख रहे हैं सच की आवाज। ये हरेंद्र साहब जी लाल किले पे राहुल गांधी जी के स्वागत यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए आए। भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने आए हो आप? मैं तो पहले से मैंने कह दिया था कि जिस दिन हिंदी हार्ट में घुसेगी लाओ हाजिर हो जाएगा। क्या लग रहा है इससे कुछ माहौल बदलेगा? क्यों तुम माहौल माहौल करते हो, वो जा रहा है, इसका डर तुम्हें बता रहा है। क्या डर है? ये डर नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री मुंह छुपाकर संसद में बैठ जाता है। देश का प्रधानमंत्री 4 दिन पहले संसद को कोरोना आ रहा है तो पहले फ्लाइट बंद कर दो। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, इस देश में अगर कोरोना आएगा तो मोदी का यार पासपोर्ट वाला लेके आएगा और जनता जो यहाँ की राशन कार्ड वाली है उसे ठोना पड़ेगा। जिस तरीके से मनसुख मंडाविया ने ऐलान किया, चिट्ठी भेजी कांग्रेस पार्टी को, और उससे 2 दिन पहले तक किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे ना मोदी जी ना अमित शाह किसी के ट्विटर हैंडल पे प्रकोशन नहीं थी कोरोना के लिए, अचानक ये प्रकोशन दी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये मीडिया रवांडा, मैं भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे तुम कहते हो मैं उसे नाम देता हूँ मीडिया रवांडा। भारत की मीडिया रवांडा वो इसे दिखा नहीं रही है। और ये दिल्ली के अंदर घुसी है और दिल्ली में इंटरनेशनल मीडिया है और दिल्ली है भारत है, भारत ही दिल्ली है और दिल्ली ही भारत है। तो यहाँ हर प्रदेश के लोग रहते हैं, विदेशों के एम्बेसिडर रहते हैं, तो उनको वे ना ये बात पूरे दुनिया में ना फैल जाए, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर ना कर ले, इसलिए इसको रोकने की एक तैयारी है। ये रुकेगी नहीं, आंधी आए तूफान आए लाठी चले गोली चले, ये तो 26 जनवरी को तिरंगा कश्मीर में ही लहराए। ये मीटिंग करनी है, अब मीटिंग कर रहा है, 8.5 साल से क्या कर रहा था, देश को लूट रहा था। बताओ उसने कोई हॉस्पिटल बनाया क्या? बताओ ऑक्सीजन के कितने प्लांट लगाए? बता दवाइयां कितनी बनाई? बता कितने डॉक्टरों की नियुक्ति करी? कुछ करा? बस ये देख रहा है कि देश को बेच करके अपने यारों को कैसे धोखा दे दूं, ये देख रहा है। अरे हिंदुस्तान के आदमी है, जब मेरा देश बिकेगा तो मैं सो जाऊं। और कैसे सो जाऊं? और तू देश बेच ले? भारत को तो जातियों में तोड़ दिया, धर्म में तोड़ दिया, मजहब में तोड़ दिया, और क्या तोड़ोगे? अरे तुमने तो जुडिशियली को तोड़ दिया, तुमने तो फिल्म इंडस्ट्री को तोड़ दिया, तुमने संसद को तोड़ दिया, तुमने विधानसभा को तोड़ दिया, तुमने अभी आप जब फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हो तो अभी आपने देखा कि पठान फिल्म को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है और भगवा रंग को लेकर काफी, मतलब आपने देखा होगा कि भगवा रंग इनके बाप का है क्या? स्वामी दयानंद पर बीजेपी की सदस्यता थी क्या? स्वामी दयानंद जी भगवा कलर पहनते थे और तुम भगवा भगवा करते रहो। मैं केसरिया केसरिया कहता रहूंगा कि मेरे देश के तिरंगे का कलर केसरिया है। जिस दिन रिंकिया का पापा दारू की बोतल में और ऐसे ऐसे डांस कर रहा था भगवा में, उस दिन हाथ हुई थी। जिस दिन गोरखपुर का सांसद एक हीरोइन की गोली भर रहा था भगवा कलर में, तब इनकी भावनाएं आयत नहीं हुई। और तुम शाहरुख खान का विरोध करते रहो, शाहरुख खान ने थारा भगवा कलर पहना था क्या? किसने पहना? एक हीरोइन ने, और वो हीरोइन कौन थी? हिंदू। तो अब देखो ये हिंदू हिंदू का विरोध कर रहे, इसलिए फर्जी हिंदू है, ये हिंदू भी नहीं है। भारत छोड़ो यात्रा से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, और जब फर्क नहीं पड़ने वाला तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा? दर्द क्यों हो रहा? तो जाने दो, जाने दो। वो रोक कहाँ रहे हैं? रोक कहाँ रहे हैं? और चिट्ठी चिट्ठी क्या अपने फूफा को लिखी थी, पाकिस्तान वालों को लिखी थी, अमेरिका
अमेरिका वालों को लिखी थी, थारी यात्राएं चलेंगी, थारी मीटिंग चलेंगी और देश की नहीं चलेंगी, देश की मीटिंग चलेंगी, तुम्हारी चले या ना चले, दिल्ली दिल वालों की है, स्वागत करने के लिए दिल्ली तैयार खड़ी है। अस्पताल ये बनाएंगे नहीं, हम कोरोना कोरोना कर रहे, अरे कोरोना का हिंदी विच्छेद करो, करो ना कुछ भी करो ना, मुंह पे खड़े मास्क लगवा देगा के बोलो ना, और अपने देश की संपत्ति से जल्दी जल्दी हाथ धो लो ना। सुन, ये रवांडा मीडिया जो बकवास कर रहा है, ये दलाल मीडिया जो बात कर रहा है, ये भड़वा मीडिया जो बात कर रहा है, WHO को भी रिपोर्ट नहीं दी कोरोना उसने चीन ने, तो इनके फुफाओं पे कहां से रिपोर्ट आ गई? जो चीन WHO को डाटा नहीं दे रहा, इनके पास डाटा कहां से आया? इस भारत जोड़ो यात्रा का ये डर है, और ये डर है रवांडा मीडिया को भी, जो भारत का रवांडा मीडिया है, दलाल मीडिया है, भड़वा मीडिया है। आज उससे मुझे यूं है कि मेरा देश टूट रहा है, मेरा देश बर्बाद हो रहा है, और ये चाकू भाग रहे हैं, और वे सांझ को मुर्गे लगाएंगे। टीवी चैनलों पे ये भी चलता है कि मोदी जी नहीं तो कौन है, मोदी जी नहीं तो कौन, इनका फुफ्फा। मुझे तो पता नहीं जनता गांव ले लेगी। राहुल गांधी को आज आप सपोर्ट करने आए हो? मैं राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करने आया, मैंने एक शब्द कहा था, आपको याद होगा, जो भारत के युवाओं की बात करेगा, जो देश में बेरोजगारी की बात करेगा, जो महंगाई पे बात करेगा, जो किसानों पे बात करेगा, जो युवाओं पे बात करेगा, ये तब उसके साथ खड़ा रहेगा। तो ये थे सोशल मीडिया किंग हरेन ताऊ, जिन्होंने मोदी सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी ये वार्ता पसंद आई होगी।